हे हाय सीएमए बडीज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और मैं आप सबके लिए फिर से लेके आया हूँ एक सक्सेस स्टोरी। मेरे साथ है रितेश मिश्रा, एंड रितेश बेसिकली फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कैंपस में दो ऑफर लेटर अप्रॉक्स एंड प्लस ऑफ कैंपस में भी दो तीन ऑफर लेटर इन्होंने सिक्योर किया, और फाइनली ही स्टार्टेड ही न्यू जर्नी इन हैदराबाद एज ए ओरेकल कंसल्टेंट। सो सुनते हैं रितेश की स्टोरी फरीदाबाद से हैदराबाद, एंड कैसे एक लाइक 12th पास आउट के बाद सीएमए जर्नी कैसे इन्होंने क्रैक किया। अप एंड डाउन, बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी, बहुत सारे आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी कि कैसे आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। सो प्लीज कंप्लीट वीडियो को देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टच में रहे। हाय रितेश, हाउ आर यू? वेरी गुड भैया, वेरी गुड। आप सो कैसे? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, हाउ इज योर फीलिंग? भैया बिल्कुल एकदम, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। एक्चुअली एक टाइम आप जिन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते थे, आज सारे बच्चे एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आज एग्जाम है। राइट राइट और आज वही बैठ सोच रहा हूँ कि देखो आज हम जॉब कर रहे हैं एज ए सीएम। या ये तो डेफिनेटली एक डिफरेंट लेवल का फीलिंग होता है। अच्छा, जिस दिन आपने सीएमए क्वालिफाई किया, और उसके बाद लाइक एक हर किसी का एक होता है कि मैंने सीएमए क्वालिफाई किया है, मेरी अच्छी जॉब होगी या नहीं होगी। सो आज आप हैदराबाद में हो, हाउ इज योर फीलिंग? एक्चुअली भैया जब क्या होता था, बेसिकली हम अपने एग्जाम देते हैं तो हर कोई प्रिपेयर नहीं होता है कि रिजल्ट शायद पॉजिटिव ही आए। तो मैं भी उन्हीं में से था, तो मैंने भी दोबारा अपना तैयारी चालू कर दी थी। बट रिजल्ट आया, मैं पास हुआ, पर वो खुशी शायद एक दिन रही। उसके बाद ये सोचा कि कोई क्या कोई कंपनी मुझे लेगी, क्योंकि मुझे तो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है नहीं, और जिन बच्चों के मैं टच में था उनको तो काफी कुछ आता था। तो फिर मैं आपके टच में था, फिर मैंने आपको कॉल किया। मैंने कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये सारे इश्यूज हैं, तो आपने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने आपके कैरियर सक्सेस लॉन्च पैड में अपने आपको एनरोल कराया। मैंने वहां देखा कि कैसे अपने आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि बेसिकली जो कंपनियां कैंपस में आ रही हैं वो तो फ्रेशर्स को लेने आ रही हैं, तो राइट इतना ज्यादा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्सपोजर अगर आपको नहीं भी है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट कैसे प्रेजेंट करना है आपको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बस वहां से एनरोल कराया और आज यहाँ पे है। तो अच्छा, आपकी जो जर्नी मेरे साथ रही अभी तक, मतलब जो सोच के आप मेरे पास आए थे, क्या वो सारी चीजें आपको मिली? हाँ बेसिकली क्या हुआ था कि जब मैं पास हुआ था तो मैंने यही सोचा कि मुझे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पर लेगी, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि हर कोई कहता है कि जॉब लेने के लिए कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ सर, मैं अपना 100% दे दूंगा, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम कहते हैं उसको किस तरीके से कहना है ना, एक्चुअली आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है, कि वो एक बहुत अच्छे तरीके से निकल के आए। वो कहते हैं ना कि एकदम कहें तो मतलब आपने ना, मतलब हम लोग को लाइक एक शेप में ला दिया कि हाँ भाई अब तुम लोग एकदम रेडी हो, अब इंटरव्यू में बैठो। और उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि अभी जितने भी इंटरव्यूज में बैठा सबके पास से ऑफर लेटर लेके ही आया। तो बहुत अच्छी ये भी बात एक है, बहुत अच्छा, मुझे भी प्राउड फील होता है जब सारे मेरे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं सिक्योर हुए, जॉब उनके मिला, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है ना, वो ऑफर लेटर आपके साथ साथ मुझे भी मिल रहा है एज ए मेंटर। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारे लोग मुझे भी चैलेंज किए थे कि लाइक पहले खुद जाके इंटरव्यू क्रैक करो, ये करो वो करो। तो लाइक हर इंसान लाइफ में हर एक चीज नहीं कर सकता है, ठीक है, कुछ चीजें होती है जो इंसान किसी और को गाइड करेगा, सामने वाला कर सकते हैं, उसे पता है कि ये चीजें ऐसी होनी है, तो वो सारी चीजें तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या होता है कि बेसिकली लोगों का ये है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे कर ले रहे हैं, है ना। तो वो लोग खुद नहीं ऐसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं बच्चों से, या खुद इतना नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, तो फिर वो ऐसे ही करते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी। अच्छा, आपने लाइक सीएमए कोर्स आफ्टर 12th स्टार्ट किया था, तो लाइक आपको बिल्कुल सीएमए बिल्कुल। कोर्स करने का मोटिवेशन कैसे मिला? सीएमए कोर्स करने का एक्चुअल क्या हुआ था कि जब मैं 12th में था तो मतलब लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मतलब कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। बस ये था कि एक 80-85% लेके पास हो जाएं, अच्छे से कॉलेज में लग जाएंगे, अपना कॉलेज कंप्लीट करेंगे और बेसिक सी लाइफ जियेंगे। तो होता क्या है कि 12th में मेरी परसेंटेज लाइक 65-67% आ जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये तो मैं डिजर्व नहीं करता। तो बस अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं सोचता हूँ कि अब मैं एक प्रोफेशनल कोर्स करूंगा, जिसमें मेरे पास ऑप्शन थे सीए, सीएमए और सीएस। तो
जब मैंने सीएमए को सुना और अचानक से लाइक मैंने ये नाम कभी पहले नहीं सुना था, तो मुझे बहुत यूनिक सा कुछ लगा, है ना। और जबकि एक प्रोफेशनल कोर्स था, हर चीज इसके अंदर थी, तो मैंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली मुझे यही कोर्स करना चाहिए, और वो डिसीजन आज फाइनल मतलब सीएमए बन ही गया। अच्छा, आपने आफ्टर 12th आपने सीएमए स्टार्ट किया फाउंडेशन से, राइट? सो आपने फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया. सो आपको कुछ चैलेंजेस आए थे फाउंडेशन में, बिकॉज इट वाज योर इनिशियल जर्नी किसी प्रोफेशनल कोर्स में? चैलेंजेस तो भैया जी अगर मैं बताऊं तो चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा थे। एक्चुअल में एक रीजन ये भी था कि जैसे कि 12th में अच्छा परसेंटेज नहीं आया था, तो थोड़ा प्रेशर भी था कि भाई अपने आप को प्रूफ करना है। और जिसमें क्या था कि उस टाइम पे हम अपना फाइनेंशियली वाइबल भी नहीं थे कि कोचिंग्स वगैरह ले ली, तो उसमें क्या था मेंटल प्रेशर था कि अपने आप को प्रूफ करना है फिर विदाउट कोचिंग। तो जैसे तैसे हमने मतलब अपना एग्जाम्स की तैयारी करी, एग्जाम में बैठे और फाइनली उसे क्लियर किया। जैसे कि मेरा फर्स्ट डे से ही मेरा एक माइंडसेट था कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना, चाहे मेरे पास सारे लाइक रिसोर्सेज हो या ना हो, पर हमें अपनी तरफ से 100% देना। ओके, ग्रेट. अच्छा, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था. ओके, और ये भी आपका वन शॉट में आपका क्लियर हुआ था इंटरमीडिएट. जी तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी एग्जाम से लास्ट 2 मंथ पहले, किस तरीके से रिवाइज करना है? हाँ, एक्चुअली क्या होता था अगर मैं रियलिटी में बात करूं तो भैया एक्चुअली ये होता था कि मैं 3 महीने पहले पढ़ना चालू ही करता था, ओके, और पेपर से अप्रोक्स 10-15 दिन पहले मैं रिविजन्स को चालू कर देता था। बेसिकली मेरे एग्जाम क्लियर करने की स्ट्रेटेजी एक ही होती थी कि मैं 100% सिलेबस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था। मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा करता था और बाकी चीज़ों को नॉर्मली कर लेता था कि एग्जाम्स में आए तो इतना भी ना हो खाली छोड़ना पड़े, बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। ओके. अच्छा, एग्जाम में होता है बहुत सारे बच्चे उस 3 आवर के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, राइट? तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी एग्जाम में, फर्स्ट 15 मिनट में क्या करते थे आप, देन आप नेक्स्ट 3 आवर्स को आप कैसे आप यूटिलाइज करते थे? एक्चुअली क्या होता था भैया, जैसे कि हम हमारा 3 घंटे का एग्जाम होता था, तो एग्जाम से पहले ही मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह उठा, मैंने अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद ये मेरा ये रूल था कि मैं बुक्स को नहीं उठाऊंगा ना मैं किसी से डिस्कशन करूंगा। मैं सीधा एग्जाम में बैठता था बिल्कुल एकदम शांत, कोई टेंशन नहीं कोई कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठने से पहले अगर आप गौर करोगे तो आपके माइंड में चलता है कि यार मेरे को उसने बोला था तू नहीं कर पाएगा, इसने बोला था तू ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें चलती हैं, पेरेंट्स के जो हमसे बोले तो हम हमारे पेरेंट्स जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीजें चलती हैं। लेकिन मैं उस टाइम बहुत क्लियर रहता था कि नहीं, आज मैं आया हूँ अपने आप को प्रूफ करने, मैं एग्जाम में बैठूंगा अपना 100% दूंगा, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है पर मेरे हाथ में एग्जाम पेपर है, मतलब एग्जाम पेपर है, उसके सॉल्यूशन अगर मुझे आते होंगे मैं 100% अपना दे के जाऊंगा। तो जब मेरे हाथ में पेपर आता तो बेसिकली मैं फटाफट क्या करता अपने एक पेंसिल ले लेता, फटाफट देखता कि मुझे क्या क्या आता है या मुझे क्या क्या पहले करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। इसीलिए मैं क्या करता था फटाफट पेंसिल से जो चीजें जो जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं फटाफट उनको टिक कर लेता था, फटाफट आंसर्स उनके अपने माइंड में रख लेता था, ताकि जैसे ही एग्जाम चालू हो लिखना चालू करें तो मैं मुझे पता हो कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना, ताकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो चीजें आती थी वो छूटी नहीं कभी। अच्छा, आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आए थे आपके लाइफ में, जर्नी में थे, तो आपने टीचिंग कब से स्टार्ट किया? टीचिंग एक्चुअली भैया टीचिंग मैंने नहीं स्टार्ट किया, टीचिंग ने मुझे स्टार्ट किया मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं 12th में था तो मैं अकाउंट सब्जेक्ट में लाइक काफी अच्छा था, तो क्या होता था कि मेरे एक दो फ्रेंड्स थे तो वो उतना अच्छे नहीं थे अकाउंट्स में, तो उन्होंने बोला कि रितेश अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो लाइक मैं तुमको या लाइक 300 या 400 रुपीज दूंगा पर मंथ। तो उस टाइम क्या था जैसे कि हम लोग के पास इतने लाइक मैं बोलूँ तो बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो मुझे उस टाइम लगा कि यार अगर इतना भी बताने से एक्चुअली उससे तो मेरा ही नॉलेज बढ़ता, तो मैंने कहा अगर इतना बताने से मुझे थोड़ा बहुत भी कुछ मिल रहा है और मैं अपने आप को सपोर्ट कर पाऊंगा किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, तो मैंने वहां से चालू किया। तो फिर मैंने उनको पढ़ाया, फिर क्या हुआ कि जैसे मेरा 12th पास हुआ तो उनके थ्रू कुछ बच्चे और आ गए, उनके थ्रू कुछ बच्चे और आ गए, तो ऐसे टीचिंग ने मुझे स्टार्ट किया कि हाँ भाई आपको पढ़ाना है।
और फिर वो जर्नी मेरे फाइनल क्लियर होने तक आज भी अभी तक चल रही है। ग्रेट। आपने अपने फैमिली को भी सपोर्ट किया, खुद की भी पढ़ाई की, और ये सारी चीजें आपने मैनेज किया, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहा होगा कि ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ हैंडल करना है, तो इस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया अपने लाइफ में? प्रेशर एक्चुअली भैया क्या होता था कि कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे बहुत सपोर्ट भी करते थे। लाइक अगर मैं जैसे मैंने 12th क्लियर किया तो मैं एक स्कूल में 12th पढ़ाने चला गया। तो अब हुआ क्या कि वहां पे मैं क्या करा रहा था, वहां पे मैं बेसिक्स करा रहा था 11th और 12th को। तो कहीं ना कहीं वही चीज मेरे फाउंडेशन से भी कनेक्टेड थी, इंटर से भी कनेक्टेड थी। कहीं ना कहीं टीचिंग ने मेरी बहुत हेल्प करी इन एग्जाम्स को क्लियर करने में। जहाँ आज भी अगर हम बच्चों से पूछें कि ये क्या होता है वो क्या होता है और उन्हें क्लियर नहीं होता है, तो जस्ट टीचिंग की वजह से वो मेरे जो बेसिक्स स्ट्रांग हुए उन्हीं की वजह से मैं मानता हूँ कि एग्जाम्स मेरे क्लियर हुए। तो ग्रेट, टीचिंग को जस्ट मैंने ऐसा समझा कि लाइक मैं खुद पढ़ रहा हूँ, ये मेरी ही मतलब अपनी पढ़ाई को ही टाइम दे रहा हूँ मैं। ओके। अच्छा, फिर आप फाइनल में जब आप गए, तो फाइनल में आपके अटेम्प्ट्स लगे थे, तो आखिर क्या चैलेंज था कि आप जिसकी वजह से आपको अटेम्प्ट फाइनल में आपके लग गए? अभी क्या हुआ कि फाउंडेशन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, इंटर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि क्यों ना मुझे बोथ ग्रुप देना चाहिए और मुझे रैंक के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बट होता क्या था कि अगर मैं जैसे इंटर तक का तो हम कह सकते हैं कि 11th 12th में कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बेस मजबूत होता है, बट फाइनल का वो लेवल बहुत बढ़ जाता है। जब हम एग्जाम्स में बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये लेवल है फाइनल एग्जाम। अब हुआ क्या कि जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स निकले थे तो मुझे लगा कि मुझे बोथ ग्रुप देने चाहिए और मैंने बोथ ग्रुप दिए, जिसमें क्या हुआ मैं एग्रीगेट से रह गया और वो मेरे लाइफ का पहला फेलियर था जब मैं मतलब एग्जाम में फेल हुआ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जैसे आज तक मैं करता आया हूँ सिंगल सिंगल ग्रुप दे के फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता आया हूँ, फिर मैंने वैसे ही अपने फाइनल के भी एग्जाम दिए और सेकेंड बार में निकाल लिए कि एक बार तो बोथ ग्रुप में अटेम्प्ट लग गया। जब आपका रिजल्ट आया फाइनली, जब आपको मिला वो कॉन्ग्रेचुलेशन और आप सेमी क्वालिफाइड कर चुके थे और नीचे था कि अपलोड योर रिज्यूमे, तो वो वाली फीलिंग कैसी थी आपकी? वो तो मतलब ऐसा था एक्चुअली भैया क्या हुआ था ना कि रिजल्ट एक दिन बाद आया था, मतलब एक्चुअली हम लोग को लगा था कि रिजल्ट एक दिन पहले आएगा। तो शाम को मैं एकदम स्ट्रेस आउट था, तीन चार मेरे दोस्त लोग सारे फोन लेके बैठे पड़े और स्क्रॉल करते जा रहे कि अब रिजल्ट आ जाए अब रिजल्ट आ जाए, इतना मेंटल प्रेशर था। लेकिन क्या हुआ फिर उस दिन रिजल्ट नहीं आया, इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आ गया कि आपका रिजल्ट कल आएगा। और एक्चुअली कल था ट्यूजडे, मतलब जिस दिन हमारा रिजल्ट आया उस दिन था ट्यूजडे। तो क्या हुआ मैंने अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं, अगर ट्यूसडे को एक्चुअली क्या है थोड़ा मैं मतलब पूजा पाठ बहुत ज्यादा करता हूँ हनुमान जी का, तो कहीं ना कहीं जब मुझे लगा कि ट्यूसडे को रिजल्ट आ रहा तो मुझे लगा कि रिजल्ट मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, और जो कि हुआ। तो सुबह मैं जस्ट सो रहा था तो सोते हुए मैंने जैसे ही उठा तो मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड का 5-6 मिस कॉल आ रखा, तो मैंने उसको फोन किया तो उसने मेरे को फोन उठाते ही बोला कि बधाई हो आपकी लाइक पूजा जो है सफल हुई और वेलकम टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जस्ट मैं उठाई था और एकदम से मैं उठ के खड़ा हो गया और मैं चिल्लाने लगा कि मतलब पापा पापा मैं सीएमए बन गया सीएमए बन गया। तो वो अलग ही मोमेंट था, वो तो मतलब घर लाइफ वाले, लॉन्ग याद घर वाले रहेगा। ये तो नहीं बोले कि कहीं सपना तो नहीं देखा तूने अभी सो के उठा और चिल्ला? एक्चुअली उन लोगों ने मेरे पे बिलीव करने से पहले मेरा फोन देखा कि एक्चुअल में रिजल्ट आया है कि नहीं आया, कहीं सो के उठ के ऐसी बोल रहे। ये भी तो फिर एक भाई अलग सब मोमेंट था इस बार। सब खुश हो गए, सबकी आंखों में आंसू, लाइक मेरे भी हो गए कि मतलब एक्चुअली क्या होता है जब आप अपना रिजल्ट देखते हो ना तो आपको वो विदिन लाइक 1 मिनट और विदिन कुछ सेकंड्स में आपको अपना सारा हार्डवर्क याद आने लगता है कि मतलब आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया था और आज देखो आप क्लियर हो गए फाइनली। अपने हनुमान जी को थैंक्स बोला? अरे बिल्कुल बिल्कुल, उनको कैसे भूल सकते हो। ये तो है डेफिनेटली। सो आफ्टर दैट अगेन एक न्यू चैलेंज था कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटर करना है, कैंपस के लिए जाना है, वो सारी चीजें थी। तो आई थिंक हम फरीदाबाद में मिले थे, राइट? हाँ डेफिनेटली। फिर जब आप मुझसे मिले तो आपको कैसा लगा? मैं थोड़ा सा खुद के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा बिहेवियर कैसा है। नहीं, एक्चुअल ऐसा हुआ कि हम लोग फरीदाबाद के लाइक हम लोग जो हम लोग पास हुए थे तो हमारे फरीदाबाद चैप्टर ने ऑर्गेनाइज करा था सारे पास स्टूडेंट्स को लाइक एक सर्टिफिकेट देने के।
तो हम लोग वहाँ गए और हम लोग ने अपना बेसिकली हमने लगा कि क्या ही होगा, तो हम लोग अपना गए, अपना सर्टिफिकेट वगैरह रिसीव करा और डिसाइड कर रहे थे जाने का। तो मेरा फ्रेंड एक आता है और बोलता है कि भाई सीएमए रोहन शर्मा है। मैंने कहा कौन? वो यूट्यूब वाले? तो कहता है हाँ। मैंने कहा नहीं नहीं तो झूठ कह रहे हो, क्योंकि हमें तो बिलीव ही नहीं हुआ कि आप वहाँ कैसे आ जाओगे। तो फिर मैं गया, फिर मैंने आपको देखा, उस दिन आपने शायद यही ड्रेस पहनी थी। तो फिर मैंने गया आपको देखा और फिर मैंने आपसे मतलब बात वगैरह करी। तो नहीं पर्सनली आप लाइक ऐसा नहीं होता, जैसे आपके लिए तो हम सब नए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम तो आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारे लिए तो आप हाँ भाई वो सीएमए रोहन शर्मा वो भैया हैं, उनको देखते हैं, उनसे हमने ये देखा यूट्यूब पे, ये सारी चीजें देखी, तो हम तो मतलब आपको जानते हैं। बट हम जब आपसे पहली बार मिले, आप हमें नहीं जानते, पर उसके हिसाब से भी आप हमें बहुत इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि हाँ मतलब कि हाँ यार भाई बहुत अच्छा है, लाइक एक तरीके से बिल्कुल जैसे हम लोग आपको सर भी नहीं कहते, हम लोग आपको भैया ही कहते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा, हम लोग मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं। ग्रेट। सो अच्छा, मेरा सेशन भी हुआ था सीएम इंस्टीट्यूट में, मैंने आपकी पीपीओपी में भी सेशन लिया था। देन हाउ, मतलब वो सेशन कैसा लगा? लाइक इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं इतने सारे सीएमए के सामने सेशन ले रहा था। नहीं भैया देखो, जिस हिसाब से मतलब आपने हमें एआई के ऊपर बताया, एआई को हम अपने बेनिफिट्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा था। लाइक अभी मैं अगर बात करूं पीपीओपी में हमारे जितने भी जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, जितने भी डे, तो वो सारे कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट्स के ऊपर थे, और आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो बिल्कुल डिफरेंट था कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अभी हम रेज्यूमे अपना बनाते हैं या हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाते, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी एआई बहुत ज्यादा हेल्प की। बट बेसिकली लोग क्या समझते हैं कि एआई एआई सब थोड़ी करेगा, एआई ऐसे वैसे, तो एआई उनको कॉपी करने के लिए बोलता ही, मतलब एआई से जो डेटा आता है उसे डेफिनेटली कॉपी करने के लिए कौन बोलता है? आपको एक आइडिया लग जाता है, उस बेसिस पे आप खुद से प्रिपेयर करो। ग्रेट। सो ओवरऑल आप सीएमए बन चुके हो, आप ऑलरेडी एक गुड कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो। एंड अच्छा, आपका क्या सजेशन रहेगा फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर नेक्स्ट सीएमएस, नेक्स्ट जनरेशन सीएमएस के लिए आपके सजेशंस क्या है? उनके लिए कहीं ना कहीं मेरा सजेशन यही रहेगा कि लाइक जब आप सीएमए बन जाते हैं और आप लोग जैसे कि बेसिकली हम तो उस टाइम भी स्टूडेंट फेज में ही होते हैं, हम सीएमए क्वालिफाई तो कर लेते हैं लेकिन उस टाइम भी हम एक स्टूडेंट फेज में ही होते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि अभी और चीजें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे चलेंगी। तो कहीं ना कहीं वहां पे आपकी गाइडेंस बहुत काम आई कि लाइक करना है। तो उनके लिए भी मेरा एडवाइस यही रहेगा कि एग्जाम्स जब उनके क्लियर हो जाएं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कैंपस में जितनी भी कंपनीज आती हैं वो इस माइंडसेट से नहीं आती है कि भाई हमें तो एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, वो इस माइंडसेट से आते हैं कि हमें एक ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को भी पता है कि इस पर्सन को काम तो हम मतलब इस पर्सन से काम हम करवा लेंगे, बट क्या वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा अच्छे से कि नहीं, इंटीग्रेट कर पाएगा, तो ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले सीएमएस को मेरा यही एडवाइस रहेगा कि अपनी कम्युनिकेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस और उन्हें मेरा कोर्स ज्वाइन करने का सजेशन। राइट करें। डेफिनेटली डेफिनेटली, वो तो खुद देख रहे हैं कि ज्वाइन किया। अच्छा, जो मेरे नोट्स थे वो आपको कैसे लगे? लाइक यूनिक था या नहीं? एक्चुअली क्या होता था कि जब हमारा पीपीओ पे ट्रेनिंग चल रहा था, तो जितने भी लोग आते थे वो कहते थे ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, अब हम सोचते थे कि कहाँ जाएं इतनी सारी चीजें ढूंढने को, तो कहीं ना कहीं आपके नोट्स में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस उसको पढ़ो इंटरव्यू में बैठो और बस, क्योंकि उसके बाहर वो ना पूछेंगे ना ना उनको मतलब ना वो हम उसके बाहर ना वो हमसे पूछते, और हमारा इंटरव्यू अच्छा चलता तो अच्छा, मैं हमें इधर उधर बोलो बोलो आप। हमें एक्चुअली मतलब इधर उधर ज्यादा इस साइट पे या उधर सी फ्रेंड्स के नोट्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो नोट्स इनफ थे, उसे ही पढ़ लो काफी। सो आपको मल्टीपल ऑफर्स मिले, लाइक आपको जेपी ग्रुप से भी मिला, कैंपस में भी दो ऑफर मिले, और फाइनली आपने ओरेकल कंसल्टेंट की जॉब प्रोफाइल ज्वाइन की। और ये भी आई थिंक मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको ये जॉब प्रोफाइल ज्वाइन करनी है। तो बिल्कुल लाइक भैया, आई थिंक नहीं, कंफर्म कंफर्म। या सो आपने ओरेकल पे भी अपनी जर्नी स्टार्ट भी कर दी है,
तो लाइक अभी आप वहाँ पे काफी लोगों से भी मिले हो, आपने कॉर्पोरेट कल्चर देखा है ओरेकल कंसल्टेंट का, तो आपको कैसा लग रहा है, तो जो मैंने आपको सजेशन दिया था वो कैसा चल रहा है? डेफिनेटली भैया बहुत अच्छा डिसीजन है ये। वैसे तो जैसे क्या होता था कि अगर लाइक अगर मेरे पास इतने ज्यादा ऑफर्स नहीं होते तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेना मेरे लिए और आसान होता। बट इतने सारे ऑफर्स होने के बाद लाइक क्या होता था कि ओरेकल कंसल्टेंट या SAP कंसल्टेंट के तौर अगर आप की तरफ अगर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आप बाकी मतलब एकदम नई फील्ड में जा रहे हो, क्योंकि बेसिकली सारे CA CM में कहीं ना कहीं टैक्सेशन या कॉस्टिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग इन सब की तरफ मूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेना मेरे लिए थोड़ा सा टफ था कि क्या मुझे ओरेकल कंसल्टेंट की तरफ जाना चाहिए कि नहीं। तो आपने लाइक बिल्कुल मेरे को हेल्प किया इसके प्रोज एंड कॉन्स बता करके, जिसकी वजह से मैं इस डिसीजन पे आया और फाइनली एज एन ओरेकल कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ। और एज एन ओरेकल कंसल्टेंट मुझे तो अभी बेसिकली काफी अच्छा लग रहा है कि अभी हम लोग ने जो ज्यादा बहुत ज्यादा हम पढ़ाई करके आए थे तो वो भी यूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी कुछ दिन में तो ये तुम सबको ओरेकल भी सिखाना शुरू कर दोगे कि ऐसे ऐसे काम करते हैं, जैसे आज मैं AI और SAP का नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तुम ओरेकल का नॉलेज शेयर स्टार्ट करना शुरू कर दोगे थोड़ी दिनों में। देखो हम तुम्हारी वीडियो देखेंगे ओरेकल। भैया नो नो डेफिनेटली, क्या, थैंक मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, आई नो कि तुम बहुत कुछ कर सकते। यू भैया, तो थैंक फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड होप सो कि आप बहुत सारे अचीवमेंट्स अपने लाइफ में लेते रहो, आगे बढ़ते जाओ। हम फ्यूचर में भी कनेक्ट रहेंगे एंड आपकी और वीडियोज रिकॉर्ड करेंगे। तो थैंक्स फॉर डेफिनेटली, शेयरिंग योर जर्नी रितेश, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय बाय।